ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सचिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। हे गुरुवर, हे साईनाथ बाबा, आज श्री साई सच्चरित्र का अध्याय 46 का पठन होने जा रहा है। आइए हम सब भक्त मिलकर बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये अध्याय सभी के लिए हितकारी हो, सभी के चित्त में उतरे। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 46। बाबा की गया यात्रा, बकरों के पूर्व जन्म की कथा। इस अध्याय में श्यामा की काशी, प्रयाग व गया की यात्रा और बाबा किस प्रकार वहां इनके पूर्व ही चित्र के रूप में पहुंचे तथा दो बकरों के गत जन्मों के इतिहास आदि का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना। हे साईं, आपके श्री चरण धन्य हैं और उनका स्मरण कितना सुखदायी है। आपके भय भय विनाशक स्वरूप का दर्शन भी धन्य है, जिसके फलस्वरूप कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। यद्यपि अब हमें आपके सगुण स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, फिर भी यदि भक्तगण आपके श्री चरणों में श्रद्धा रखें तो आप उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव दे दिया करते हैं। आप एक अज्ञात आकर्षण शक्ति द्वारा निकटस्थ या दूरस्थ भक्तों को अपने समीप खींचकर उन्हें एक दयालु माता के समान हृदय से लगाते हैं। हे साईं, भक्त नहीं जानते कि आपका निवास कहाँ है, परंतु आप इस कुशलता से उन्हें प्रेरित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भासित होने लगता है कि आपका अभय हस्त उनके सिर पर है। और यह आपकी ही कृपा दृष्टि का परिणाम है कि उन्हें अज्ञात सहायता सदैव प्राप्त होती रहती है। अहंकार के वशीभूत होकर उच्च कोटि के विद्वान और चतुर पुरुष भी इस भवसागर की दलदल में फंस जाते हैं, परंतु हे साईं, आप केवल अपनी शक्ति से असहाय और सुहृदय भक्तों को इस दलदल से उबार कर उनकी रक्षा किया करते हैं। पर्दे की ओट में छिपे रहकर आप ही तो सब न्याय कर रहे हैं, फिर भी आप ऐसा अभिनय करते हैं जैसे उनसे आपका कोई संबंध ही ना हो। कोई भी आपकी संपूर्ण जीवन गाथा ना जान सका, इसलिए यही श्रेष्ठकर है कि हम अनन्य भाव से आपके श्री चरणों की शरण में आ जाएं और अपने पापों से मुक्त होने के लिए एकमात्र आपका ही नाम स्मरण करते रहे। आप अपने निष्काम भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर उन्हें परमानंद की प्राप्ति करा दिया करते हैं। केवल आपके मधुर नाम का उच्चारण ही भक्तों के लिए अत्यंत सुगम पथ है। इस साधन से उनमें राजसिक और तामसिक गुणों का हार्स होकर सात्विक और धार्मिक गुणों का विकास होगा। इसके साथ ही साथ उन्हें क्रमशः विवेक, वैराग्य और ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। तब उन्हें आत्मस्थित होकर गुरु से भी अभिन्नता प्राप्त होगी और इसका ही दूसरा अर्थ है गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना। इसका निश्चित प्रमाण केवल यही है, तब हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। इस शरणागति, भक्ति और ज्ञान की महत्ता अद्वितीय है, क्योंकि इनके साथ ही शांति, वैराग्य, कीर्ति, मोक्ष इत्यादि की भी प्राप्ति सहज ही हो जाती है। यदि बाबा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं तो वे सदैव ही उनके समीप रहते हैं, चाहे भक्त कहीं भी क्यों ना चला जाए, परंतु वे तो किसी न किसी रूप में पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। यह निम्नलिखित कथा से स्पष्ट है। गया यात्रा। बाबा से परिचय होने के कुछ काल पश्चात ही काका साहेब दीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र बापू का नागपुर में उपनयन संस्कार करने का निश्चय किया और लगभग उसी समय नाना साहेब चांदोरकर ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र की ग्वालियर में शादी करने का कार्यक्रम बनाया।
दीक्षित और चांदोरकर दोनों ही शिरडी आए और प्रेम पूर्वक उन्होंने बाबा को निमंत्रण दिया। तब उन्होंने अपने प्रतिनिधि श्यामा को ले जाने को कहा, परंतु जब उन्होंने स्वयं पधारने के लिए उनसे आग्रह किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि बनारस और प्रयाग निकल जाने के पश्चात मैं श्यामा से पहले ही पहुंच जाऊंगा। पाठक गण, कृपया इन शब्दों को थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि ये शब्द बाबा की सर्वज्ञता के बोधक हैं। बाबा की आज्ञा प्राप्त कर श्यामा ने इस उत्सवों में सम्मिलित होने के लिए पहले नागपुर और ग्वालियर और इसके पश्चात काशी, प्रयाग और गया जाने का निश्चय किया। अप्पा कोते भी श्यामा के साथ जाने को तैयार हो गए। प्रथम तो वे दोनों उपनयन संस्कार में सम्मिलित होने नागपुर पहुँचे। वहाँ काका साहेब दीक्षित ने श्यामा को 200 रुपये खर्च ककिनी में दिए। वहाँ से वे लोग इस विवाह में सम्मिलित होने ग्वालियर गए। वहाँ नाना साहेब चांदोरकर ने 100 रुपये और उनके संबंधी श्री जठार ने भी 100 रुपये श्यामा को भेंट किए। फिर श्यामा काशी पहुँचे, जहाँ जठार ने लक्ष्मी नारायण जी के भव्य मंदिर में उनका उत्तम स्वागत किया। अयोध्या में जठार के व्यवस्थापक ने भी श्यामा का अच्छा स्वागत किया। श्यामा और कोते अयोध्या में 21 दिन तथा काशी यानी बनारस में 2 मास ठहर कर फिर गया को रवाना हो गए। गया में प्लेग फैलने का समाचार रेलगाड़ी में सुनकर इन लोगों को थोड़ी चिंता सी होने लगी। फिर भी रात्रि को वे गया स्टेशन पर उतरे और एक धर्मशाला में जाकर ठहरे। प्रातःकाल गया वाला पुजारी पंडा, जो यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था किया करता था, आया और कहने लगा कि सब यात्री तो प्रस्थान कर चुके हैं, इसलिए अब आप भी शीघ्रता करें। श्यामा ने सहज ही उससे पूछा कि क्या गया में प्लेग फैला है। तब पुजारी ने कहा कि नहीं, आप निर्विघ्न मेरे यहाँ पधारकर वस्तु स्थिति का स्वयं अवलोकन कर लें। तब वे उसके साथ उसके मकान पर पहुँचे। उसका मकान क्या एक विशाल भवन था, जिसमें पर्याप्त यात्री विश्राम पा सकते थे। श्यामा को भी उसी स्थान पर ठहराया गया, जो उन्हें अत्यंत प्रिय लगा। बाबा का एक बड़ा चित्र, जो कि मकान के अग्रिम भाग के ठीक मध्य में लगा था, देखकर वे अति प्रसन्न हो गए। उनका हृदय भर आया और उन्हें बाबा के शब्दों की स्मृति हो आई कि मैं काशी और प्रयाग निकल जाने के पश्चात श्यामा से आगे ही पहुंच जाऊंगा। श्यामा की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और उनके शरीर में रोमांच हो आया तथा कंठ रूंध गया और रोते रोते उनकी घिग्गियाँ बंद गई। पुजारी ने श्यामा की जो ऐसी स्थिति देखी तो उसने सोचा कि यह व्यक्ति प्लेग की सूचना से भयभीत होकर रुदन कर रहा है। परंतु श्यामा ने उसकी कल्पना के विपरीत ही प्रश्न किया कि यह बाबा का चित्र तुम्हें कहाँ से मिला। उसने उत्तर दिया कि मेरे 200-300 दलाल मनमाड़ और पुड़तांबे क्षेत्र में कार्य करते हैं तथा उस क्षेत्र से गया आने वाले यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा करते हैं। वहाँ शिरडी के साईं महाराज की कीर्ति मुझे सुनाई पड़ी। लगभग 12 वर्ष हुए मैंने स्वयं शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाया था और वहीं श्यामा के घर में लगे हुए उनके चित्र में से मैं आकर्षित हुआ था। तभी बाबा की आज्ञा से श्यामा ने जो चित्र मुझे भेंट किया था, यह वही चित्र है। श्यामा की पूर्व स्मृति जागृत हो आई और जब गया वाले पुजारी को यह ज्ञात हुआ कि ये वही श्यामा है जिन्होंने मुझे इस चित्र द्वारा अनुग्रहित किया था और आज मेरे यहाँ अतिथि बनकर ठहरे हैं, तो उसके आनंद की सीमा ना रही। दोनों बड़े प्रेम पूर्वक मिलकर हर्षित हुए। फिर पुजारी ने श्यामा का बादशाही ढंग से भव्य स्वागत किया। वह एक धनाढ्य व्यक्ति था, स्वयं डोली में और श्यामा को हाथी पर बैठाकर खूब घुमाया तथा हर प्रकार से उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा। इस कथा ने सिद्ध कर दिया कि बाबा के वचन सत्य निकले। उनका अपने भक्तों पर कितना स्नेह था, इसको तो छोड़ो, वे तो सब प्राणियों पर एक सा प्रेम किया करते थे और उन्हें अपना ही स्वरूप समझते थे। यह निम्नलिखित कथा से भी विदित हो जाएगा। 2 बकरे। एक बार जब बाबा लैंडीबाग से लौट रहे थे तो उन्होंने बकरों का एक झुंड आते देखा। उनमें से 2 बकरों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बाबा ने जाकर प्रेम से उनका शरीर अपने हाथ से थपथपाया और 32 रुपये में खरीद लिया। बाबा का यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि बाबा तो इस सौदे में ठगे गए हैं।
क्योंकि एक बकरे का मूल्य उस समय 3-4 रुपए से अधिक ना था और वे दो बकरे अधिक से अधिक 8 रुपए में प्राप्त हो सकते थे। उन्होंने बाबा को कोसना प्रारंभ किया, परंतु बाबा शांत बैठे रहे। जब श्यामा और तात्या ने बकरे मोल लेने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे कोई घर या स्त्री तो है नहीं जिसके लिए मुझे पैसे इकट्ठे करके रखने हैं। फिर उन्होंने 4 सेर दाल बाजार से मंगाकर उन्हें खिलाई। जब उन्हें खिला पिला चुके तो उन्होंने पुनः उनके मालिक को बकरे लौटा दिए। तत्पश्चात ही उन्होंने उन बकरों के पूर्व जन्मों की कथा इस प्रकार सुनाई। श्यामा और तात्या, तुम सोचते हो कि मैं इस सौदे में ठगा गया हूँ, परंतु ऐसा नहीं। इनकी कथा सुनो। गत जन्मों में दोनों सगे भाई थे और पहले इनमें परस्पर बहुत प्रेम था, परंतु बाद में ये एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गए। बड़ा भाई आलसी था, किंतु छोटा भाई बहुत परिश्रमी था। उसने पर्याप्त धन उपार्जन कर लिया था, जिससे बड़ा भाई अपने छोटे भाई से ईर्ष्या किया करता था। इसलिए उसने छोटे भाई की हत्या करके उसका धन हड़पने की ठानी और अपना आत्मीय संबंध भूलकर वे एक दूसरे से बुरी तरह झगड़ने लगे। बड़े भाई ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु वह छोटे भाई की हत्या में असफल रहा। तब वे एक दूसरे के प्राणघातक शत्रु बन गए। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर लाठी से प्रहार किया। तब बदले में छोटे भाई ने भी बड़े भाई के सिर कुल्हाड़ी चलाई और परिणाम स्वरूप वहीं दोनों की मृत्यु हो गई। फिर अपने कर्मों के अनुसार ये दोनों बकरे की योनि को प्राप्त हुए। जैसे ही वे मेरे समीप से निकले तो मुझे उनके पूर्व इतिहास का स्मरण हो आया और मुझे दया आ गई, इसलिए मैंने उन्हें कुछ खिलाने पिलाने तथा सुख देने का विचार किया। यही कारण है कि मैंने इनके लिए पैसे खर्च किए जो तुम्हें महंगे प्रतीत हुए हैं। तुम लोगों को यह लेन देन अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उन बकरों को गडेरियों को वापस कर दिया। केवल मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों के लिए बाबा के हृदय में अपार प्रेम था। श्री सद्गुरु साईनाथ पर नमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।